इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पांसिबली। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर रहेंगे मौजूद। प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन और इसे एक तरह से चुनावी साल में एक चुनावी बिगुल के रूप में भी भाजपा की ओर से देखा जा सकता है। जिस तरह से यहां अब विचार विमर्श और मंथन का दौर होगा, बैठक में रणनीति यहां बनाई जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय बैठक में प्रदेश पदाधिकारी तो रहेंगे, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इसके बाद दोपहर 3 बजे विधायक दल की भी बैठक होगी। शाम 5 बजे प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक। ये तमाम बैठकें जिनका आज आयोजन किया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, चुनावी साल में तैयारियां जिस तरह से हर पार्टी अपनी अपनी ओर से करती है, और देखिए क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, इसलिए इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाएगा। किस तरह से अब बीजेपी कांग्रेस पर काउंटर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने कई मौकों पर ये बोलते हुए सुना होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कि इस बार जो माहौल है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि प्रदेश में जो माहौल बन रहा है, हालांकि सरकार के पक्ष में माहौल कई बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं, ऐसे में बीजेपी मंथन करती है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि अब बीजेपी को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी मिला है सीपी जोशी के रूप में, अब उनकी नियुक्ति के बाद माना जा सकता है ये पहली सबसे बड़ी बैठक, और क्या मंत्रणा यहाँ की जा सकती है? देखिए, पदाधिकारियों की बैठक है, उस बैठक में सीपी जोशी स्पष्ट तौर पर जो पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम थे उन्हें लेकर अपनी बात कहेंगे, अरुण सिंह उन्हें लेकर अपनी बात कहेंगे, अरुण सिंह, सीपी जोशी और चंद्रशेखर, ये तीनों संगठन की बातों को लेकर एक मैसेज देंगे, जो सामान्य बैठक होती है और ये कर्जी भी होती है, और कर्जी के लिहाज से सभी तमाम पदाधिकारियों से मिल लेना, बातचीत कर लेना, संवाद कर लेना और उसके बाद आगामी कार्यक्रम बना लेना। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कोर कमेटी की बैठक, और कोर कमेटी की बैठक से पहले विधायक दल की बैठक, और विधायक दल की बैठक में आज फैसला हो जाएगा दो नेताओं का, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का लगभग फाइनल सा है, बस ऐलान होना बाकी है, तो उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का नाम फाइनल होना बाकी है, लगभग ऐलान होना बाकी है। इन दोनों नेताओं की बात निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान दी जाएगी राजेंद्र राठौड़ को और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया। अब इन सबके बीच में बड़ा सवाल यही है कि ओवरऑल अगर देखें तो पार्टी को कितना लाभ, कितना नुकसान होगा, यहाँ पर पार्टी ये सब कुछ नहीं देखेगी, क्योंकि चुनाव के लिहाज से, शिखा, चुनाव के लिहाज से आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति अलग बनेगी। ये एक सामान्य रणनीतियां हैं कि किसे क्या कुछ दिया जाना है, क्योंकि सतीश पूनिया अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, तो ऐसे में पार्टी उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष का जिम्मा देगी। राजेंद्र राठौड़ लंबे समय से विधायक हैं और लगातार सदन में टिके रहते हैं, सदन में गुलाबचंद कटारिया के बाद वही सबसे वरिष्ठ बीजेपी के विधायक माने जाते हैं, है भी अगर नियम और प्रक्रियाओं के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं सदन में वही उठाते हैं, तो ओवरऑल ये फैसला जो है ये भी महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, अब फैसला देखने लायक होगा, और औपचारिक ऐलान का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, कब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।